हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। लास्ट क्लास में हमने क्यूएससी स्टार्ट किया था और क्यूएससी में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टीमेट देख लिया था, है ना। अब हमको उसी के आगे देखना है। हमने मैक्सिमम पोर्शन जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टीमेट का था वो कवर कर लिया था। उस पर एक छोटा सा पार्ट और बचा हुआ था स्टील के बारे में। मैक्सिमम सारे आइटम्स मैंने बता दिए थे, है ना। एक स्टील बच गया था हमारा और कुछ टेबल्स बची हुई है बताने के लिए। उसके बाद हम इस यूनिट के क्वेश्चंस कर लेंगे, देन ये यूनिट हमारी हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टील के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर हमको स्टील के बारे में, हमारा एक सब्जेक्ट होता है स्टील स्ट्रक्चर, है ना। स्टील स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से हम वहां पढ़ेंगे कि स्टील होता क्या है, स्टील किस तरीके का, अलग अलग टाइप के होते हैं, वो सारी चीज हम वहां पर देखेंगे, है ना। हमको यहाँ पर देखना जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा क्वेश्चन आता है क्यूएससी से, वो क्वेश्चन क्या आता है स्टील से। तो स्टील से क्वेश्चन आता है कि अलग अलग साइज के लिए, यदि हमने अलग अलग साइज लिया है तो पर मीटर लेंथ में उसका वेट कितना होता है, यह क्वेश्चन हमसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए हमको ये पता है कि स्टील जो होता है, स्टील की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 7850 केजी पर मीटर क्यूब, है ना। ये हमारी स्टील की डेंसिटी होती है ना। अब यदि मैंने सबसे पहले क्या किया, एक स्टील रॉड ली, स्टील लिया जिसकी लेंथ मेरी क्या है, 1 मीटर की है। स्टील लिया जिसकी लेंथ मेरी क्या है, 1 मीटर की है, और इसका डायमीटर क्या है, 5 है ना, 5 mm। तो इसको मैंने मीटर में चेंज कर लिया, तो क्या हो जाएगा, mm को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1000 मीटर में। ये भी हमारी वैल्यू मीटर में हो गई और ये वाली लेंथ की वैल्यू भी हमारी मीटर में हो गई, है ना। तो हमको जो पता है स्टील की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी कितनी है, 7850 केजी पर मीटर क्यूब। तो हमको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो भाई वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा एरिया इनटू लेंथ, है ना। अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं इस बार का, क्योंकि हमको डाया पता है। तो क्या हो जाएगा, एरिया सर्कुलर होने का 5/4, और डाया की वैल्यू पुट कर दी हमने मीटर में, और लेंथ भी हमारा मीटर में है ना। अच्छा, उसके बाद हमारी डेंसिटी हमको पता है 7850, हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, और इससे हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब एग्जाम पे तो हमको सॉल्व करते नहीं रहना, तो हमको डायरेक्ट याद रखना है कि जो हमारा पर मीटर लेंथ के लिए जो फॉर्मूला निकल कर आता है, कितना फॉर्मूला निकल कर आता है, डाया स्क्वायर डिवाइड बाय 162, या हम बोल सकते हैं हमारा 0.006175 स्क्वायर केजी पर मीटर, है ना। मतलब पर मीटर में हमारा जो इसका वेट होगा कितना होगा, 0.006175 स्क्वायर केजी, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम हमारे जो एग्जाम का क्वेश्चन आता है, एग्जाम पे हमको डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन में कि 10 mm डाया के लिए इसका पर मीटर वेट कितना होगा, या 20 mm के लिए। तो ये हमको डायरेक्ट याद रखना है, हम वहां पर एग्जाम पे निकालते नहीं बैठे रहेंगे। आप निकाल भी सकते हैं यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो, लेकिन यदि आप एक बार देख लेंगे तो आपको डायरेक्ट सीधे सीधे से याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, 6 mm के लिए, यदि आप यहाँ पर 6 वैल्यू पुट कर देंगे तो 6 mm के लिए जो हमारा पर मीटर जो वेट निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, हमारा 0.22 केजी पर मीटर, ठीक है। 8 mm की यदि मैं बात करूं तो 8 mm के लिए जो हमारा स्टील का वेट निकल कर आएगा पर मीटर वो कितना निकल कर आएगा, 0.395 केजी पर मीटर। 10 mm के लिए एग्जाम में कई बार पूछा है 10 mm के लिए, तो 10 mm के लिए सीधे सीधे से वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0.617 केजी पर मीटर, है ना। अब जो हमारी ये अवेलेबल है डाया साइज के अवेलेबल है मार्केट में, और हम देख लेते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन भी एग्जाम पे आ जाए, तो हमको वहां पर सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम आंसर टिक करके आ जाएंगे यदि हमने पहले से उसको देखा हुआ। यदि हमने वैल्यू थोड़ी सी भी उसकी देखी हुई तो हमको यदि वैल्यू एग्जैक्ट या ऑप्शन से देख के हम लगा देंगे, है ना, हमको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा वैल्यू, 0.89 केजी पर मीटर। इस तरीके से हम अपना टाइम बचा सकते हैं, वहां पर सॉल्व नहीं कर सकते इन क्वेश्चंस को, है ना। यदि सॉल्व कर भी सकते हैं तो हमको टाइम लगेगा करने में, जैसे यदि हम बात करते हैं 16 mm के लिए, है ना। तो 16 mm के लिए जो हमारी वैल्यू क्या होती है, 1.58 केजी पर मीटर, यहां तक की चीज क्लियर है। उसके बाद यदि मैं बात करता हूं 20 mm के लिए, तो 20 mm के लिए जो हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 2.47 केजी पर मीटर। उसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं हमारा 25 mm के लिए, तो 25 mm के लिए जो वैल्यू हो जाएगी 3.85 केजी पर मीटर, है ना। तो इनमें से कुछ भी हमारे एग्जाम पे आ सकती है वैल्यू, तो यदि हमने डायरेक्ट वैल्यू एक बार की भी हुई है, कॉपी में लिखी भी हुई है अपने हाथ से, तो हमको वैल्यू क्या हो जाएगी, दिमाग में क्लिक हो जाएगी, है ना। जैसे 10 mm के लिए जो वैल्यू होती है 0.6 होती है ना। अब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे 16 mm के लिए तो 1.599 होती है। तो इनमें से कुछ डेटा हम एक बार देख के चले जाएंगे तो हमको ऑप्शन से वैल्यू याद आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हम पर मीटर लेंथ अलग 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 डाया के, जैसे 6 mm का हमने यदि डाया यूज किया हुआ रॉड का, तो पर मीटर के लेंथ में उसका वेट कितना होगा, 0.22 केजी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई स्टील की बात। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इन एब्सेंस ऑफ डिटेल्ड डिजाइन। यदि हम बात करें कि कई बार क्या होता है, हमारे जो हमको डिजाइन दी जाती है तो उसमें हमारा स्टील का स्टील के जो डायमेंशन है या जो हमारा परसेंटेज है स्टील का वो हमको नहीं दिया होता, उस कंडीशन में कैलकुलेशन के लिए हमको कितना कितना लेना पड़ता है वो चीज हम देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ स्टील कॉन्क्रीट में भी थिकनेस कितना लेते हैं, यदि हम बात करते हैं हमारा लिंटेल स्लैब है, तो लिंटेल स्लैब में हम जो परसेंटेज यूज करते हैं 0.7 से 1% स्टील को हम मानकर चलते हैं कि इतनी स्टील हमारे पास है, किसमें, लिंटेल स्लैब में। बीम पे यदि हम बात करें तो बीम पे कितनी स्टील यूज हुई होती है हमारी, टोटल स्टील का 1% से 2% हमारा बीम पे यूज होता है। उसका कॉलम पे यदि हम बात करें तो कॉलम कितना हो जाएगा, 1-5%। फाउंडेशन या राफ्ट फुटिंग पे यदि हम बात करते हैं तो उस पर कितना हो जाता है हमारा स्टील यूज, 0.5 से 0.8% स्टील यूज होता है।
यहाँ तक की चीज क्लियर है। अब स्टील पे ही हमारे एग्जाम पे क्वेश्चन आ जाता है बार बेंडिंग शेड्यूल से। बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है हमारा, तो हम क्या करते हैं कि हमारे स्टील को क्या करना पड़ता है, हमको बेंड करना पड़ता है। तो बार बेंडिंग शेड्यूल के अंतर्गत आ जाएगा, इसके दो केस होते हैं हमारे, एक होता है हुक्ड बोथ साइड, यदि हमने उसको क्या किया है दोनों साइड से हुक किया हुआ है, तो हमसे एग्जाम में पूछ लेगा कि इसकी लेंथ कितनी होगी, है ना। तो लेंथ ऑफ बार जो इसकी ये बार है हमारी, इसकी लेंथ कितनी आएगी। तो यदि हम बात करें कि हमारी जो वन साइड की हुक होती है, या बोल सकते हैं कि वन हुक जो होती है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 90, है ना। एक हुक ये होगी हमारी, एक हुक ये होगी, हमने जो हमारा बार था इसको हमने कुछ इस तरीके से हुक सेगमेंट बना दिया। जनरली आरसीसी में आपने देखा होगा, यदि थोड़ी बहुत पढ़ा होगा, तो दो चीजें होती है, एक तो होता है हुक और एक होता है बैंड। यदि स्टैंडर्ड हुक की बात करें तो स्टैंडर्ड हुक जो होती है वो यू शेप की होती है, और यदि बैंड की बात करते तो बैंड जो स्टैंडर्ड होता है वो एल शेप का होता है ना। तो हमने क्या किया, दोनों साइड यदि हुक प्रोवाइड की है तो उस कंडीशन पे हमारी जो बार है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, तो उसकी जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक साइड की यदि हुक की बात करें, वन हुक की बात करें, तो उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 90। डी का मतलब हमारा ये डायमीटर है ना। तो दोनों साइड कितना हो जाएगा 90 इस साइड, 90 इस साइड, तो कितना हो जाएगा 18D, और ये एल तो है, तो लेंथ प्लस 18D जो मिल जाएगी हमको इस बार की टोटल लेंथ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये याद रखना हमको, ये जो एल है, ये एल हमारा ये वाली लेंथ नहीं है, यहाँ पर जो हमको ये लेंथ लेनी है वो लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, जो हमारी बीम की लेंथ है या जो हमारा स्लैब है उसकी जो लेंथ है उस पर से हमको माइनस करना पड़ेगा जो हमारे एंड कवर होंगे उसकी वैल्यू को, तो हमको क्या मिल जाएगा, एल मिल जाएगा, है ना। लास्ट ईयर हमारे एग्जाम पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था लेंथ ऑफ बार कितना होगा, तो एल प्लस 18 डी। अब यदि हम बात करते हैं हमारा कि एक जो हमारी हुक होती है उसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 9D होती है। जैसे यदि हम बात करो यहां से यहां तक की, ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, 4D हो जाएगी। यहां से यहां तक की यदि बात करते हैं तो ये हो जाएगी हमारी 4D, और उसके बाद जो ये होता है इसको हम मान लेते हैं 1D। तो एक टोटल जो वन हुक होती है वो हमारी कितनी हो जाती है, 9D। ऐसे ही इस साइड यदि बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9D हो जाएगा। सेकेंड केस की यदि हम बात करते हैं फॉर 45 डिग्री क्रैंक, यदि हमारा बार जो है वो 45 डिग्री से क्रैंक है, या बोल सकते हैं बेंट अप बार है, तो बेंट अप बार के कंडीशन पे हमारी जो बार होगी, बार की लेंथ कितनी आएगी। अच्छा इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमारा बार कुछ इस तरीके से था, इसको हमने क्रैंक कर दिया है ना, और इसकी जो क्रैंक करते हैं वो कितनी डिस्टेंस से करते हैं, तो एंड से हमारा एल बाय 4 से एल बाय 5 लेंथ से हम क्या कर देते हैं, इसको क्रैंक कर देते हैं। ऐसे इस साइड भी हो जाएगा हमारा एल बाय 4 टू एल बाय 5। यहाँ तक की चीज क्लियर है। अब ये पूछ रहा है कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो लेंथ कितनी निकल कर आएगी, तो जो लेंथ निकल कर आएगी बार की वो कितनी हो जाएगी, एल प्लस 18 फाइव, तो ऊपर वाली, क्योंकि दोनों हुक तो है ही हमारी, है ना, L प्लस 18 फाइव तो होगा ही होगा। साथ में यहाँ पर हमारा है 0.84D, तो 0.84D क्या हमारी ये वाली जो वैल्यू है जो क्रैंक हुई है हमारी, ये वाली जो वैल्यू है हमारी 0.84D, है ना। यहाँ पर ये याद रखना है ये जो डी है ये डायमीटर नहीं है। जब यदि हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें जहां पर हमने इसको लगाया हुआ, तो इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से आएगा, है ना, और ये इसकी यदि ये वाली हाइट की हम बात करें कुछ इस तरीके से, आउटर टू आउटर फाइबर रिइंफोर्समेंट की जो डेप्थ होगी, है ना, वही डी है हमारा, ना कि यहाँ पर डायमीटर है। तो इसकी यदि वैल्यू की बात करेंगे लेंथ ऑफ बार क्रैंक सेक्शन की, कितनी हो जाएगी, एल प्लस 18 फाइव प्लस 0.84D, है ना, ये दोनों साइड की टोटल मिला के है ना। अच्छा यदि ये एंगल 45 डिग्री की जगह हमने 30 डिग्री पुट किया, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी रिप्लेस हो जाएगी किसके साथ, 0.54D के साथ। यदि 45 डिग्री की जगह हमने 30 डिग्री यूज कर लिया, तो ये 0.84D की जगह हो जाएगी वैल्यू 0.54D, है ना। अब यहीं पे हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं नोट में, कि हमारे पास एक होती है स्टैंडर्ड हुक यू शेप में होती है, और जो एक बैंड होता है हमारा, बैंड किसमें होता है, एल शेप में होता है ना। तो यहां पर हम एक चीज और आती है हमारी एंकरेज वैल्यू। एंकरेज वैल्यू क्या होती है हमारी, तो एंकरेज वैल्यू क्या होती है, एक्स्ट्रा लेंथ फॉर रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ बैंड और हुक टू अचीव रिक्वायर्ड लेंथ। ये एंकरेज वैल्यू कितना प्रोवाइड करना पड़ता है हमको, 4-5 फॉर ईच 45 डिग्री। ये आरसीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंकरेज वैल्यू कितनी होती है, तो एंकरेज वैल्यू हमको कितनी प्रोवाइड करनी होती है, हर 45 डिग्री पे हमको 4-5 जो है एंकरेज वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब ये एंकरेज वैल्यू होती क्या है, तो इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है। यदि हम बात करते हैं कि यदि हम अपने बैंड को क्या कर रहे हैं, या तो हम अपने बैंड को बैंड कर रहे हैं, या तो हुक कर रहे हैं, या जो हमारा स्टील का जो रॉड है, जो हमारी बार है, यदि हम उसको क्या कर रहे हैं, बैंड कर रहे हैं या हुक कर रहे हैं, तो हमको उसको कट करना पड़ेगा। तो जब हम उसको कट करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेंथ से कट करना पड़ता है, ताकि उसकी जो लेंथ है वो रिड्यूस ना हो जाए, है ना। तो जितनी हम एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड करते हैं, है ना, मान लो कि ये मेरी रॉड है या मेरा स्टील बार है, स्टील बार को मेरे को बेंड करना है, तो इसको मेरे को बेंड करना है, तो बेंड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेंथ से इसको कट करना पड़ेगा, है ना, एक्स्ट्रा लेंथ से इसको कट करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो जब बेंड करें तो इसकी लेंथ कम ना हो जाए। तो जो जितना हम एक्स्ट्रा लेंथ लेकर उसको कट कर रहे हैं, जितनी एक्स्ट्रा लेंथ ले रहे हैं, वही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एंकरेज वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो अब एंकरेज वैल्यू कितना प्रोवाइड करते हैं बेंड और हुक के लिए, तो यही हमारा कि कितना प्रोवाइड करेंगे, 4-5 फॉर ईच 45 डिग्री। जैसे समझ में नहीं आया तो एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे यदि हमारा हुक है, यदि हमारी हुक जो कि हमारी 180 डिग्री की है, यूसेप में 180 डिग्री की है, तो हमको पता है कि हर एक 45 डिग्री के लिए कितनी एंकरेज वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, 4-5 की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं,
तो 85, तो 80 जो है हमारा उस पर हमारा 45 45 45 45 चार बार आएगा तो 4 × 4 5 हो जाएगा, तो इसके लिए जो एंकरेज वैल्यू आएगी कितनी आएगी हमारी 16 5 आएगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं हमारा बैंड के लिए एग्जांपल में कि बैंड हमारा स्टैंडर्ड बैंड कितना होता है 90 डिग्री का होता है, तो उसके लिए जो एंकरेज वैल्यू आएगी वो एंकरेज वैल्यू कितनी आएगी, एंकरेज वैल्यू हमारी कितनी 90 डिग्री में हम बात करें तो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री 90 डिग्री मतलब 2 टाइम्स आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 5 में तो हमारा क्या जाएगा 8 5 आ जाएगा हमारा एंकरेज वैल्यू। यहां तक की चीज क्लियर है? ओके। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम बेसिक मेजरमेंट एंड वर्क। बेसिक मेजरमेंट ऑफ वर्क में हम देखेंगे कि हम यदि कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उस पर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कितनी चल जाएगी हमारी, है ना, कितनी होती है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्वांटिटी के हिसाब से। यदि हम बात करते हैं वेट और मास, यदि हम वेट और मास या बोल सकते हैं वेट का कैलकुलेशन कर रहे हैं या मास में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमारा जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है कि यदि हम किसी चीज को केजी में ले रहे हैं तो हमारा प्लस माइनस जो है 1 kg चल जाएगा, है ना। उसके बाद लेंथ का यदि मेजरमेंट कर रहे हैं तो लेंथ के मेजरमेंट में प्लस माइनस 0.01 मीटर तक का वेरिएशन हमारा चल जाएगा। एरिया मेजरमेंट में हमारा 0.01 मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम मेजरमेंट में हमारा 0.01 मीटर क्यूब। इसके बाद यदि हम बात करते हैं थिकनेस ऑफ स्लैब, डायमेंशन ऑफ कॉलम, जब हम थिकनेस मेजर कर रहे हैं स्लैब की या हम बोल सकते हैं कि कॉलम का डायमेंशन मेजर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो हमारा वेरिएशन 0.5 सेंटीमीटर का चल जाता है ना, प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद ये भी एग्जाम पे हमारा पूछा गया है वुड वर्क के लिए जो हमारी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो कितनी होती है, तो 2 mm प्लस माइनस 2 mm का वेरिएशन हमारा चल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ कॉर्यूगेशन, है ना, इफेक्ट ऑफ कॉर्यूगेशन। तो इफेक्ट ऑफ कॉर्यूगेशन आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से सीट देखी होगी आपने, है ना, आपने कुछ यदि कॉर्यूगेटेड सीट देखी होगी, तो कॉर्यूगेटेड सीट के कारण यदि हम उस पर पेंट या कुछ भी कर रहे हैं तो उसका एरिया थोड़ी सा इंक्रीज हो जाता है, कुछ इस तरीके से कॉर्यूगेशन देखा होगा आपने, इस तरीके से, है ना, इस तरीके की सीट सबने देखी होगी, है ना। तो यदि ये प्लेन होती तो इसका एरिया थोड़ी सा इसका एरिया कम होता, लेकिन यदि यहां पर मैं बात करूं तो इसका एरिया इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे यदि मैं इस पर पेंट करना चाहूं तो सीधे सीधे से कम मात्रा में लगेगा, जबकि इस पर करना चाहूंगा यदि पेंट या वार्निश जो भी है वो यदि मैं करना चाहूंगा तो इस पर ज्यादा क्वांटिटी मिलेगा, मतलब इसका एरिया क्या लगेगा मेरे को ज्यादा लगेगा, इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, है ना, कुछ भी करने के लिए। तो इसका एरिया कितना परसेंट इंक्रीज हो जाता है वो चीज को हम देखेंगे, उसी को हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ कॉर्यूगेशन। मटेरियल अलग अलग मटेरियल के लिए कितना इंक्रीज हो रहा है और उसी के हिसाब से हमारा क्या बन जाएगा, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बन जाएगा। सबसे पहला हमारा आता है कॉर्यूगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट सीट, है ना, यदि हमारी सीमेंट सीट है एस्बेस्टस की, है ना, और वो कैसी है, कॉर्यूगेटेड है, कॉर्यूगेटेड मतलब कुछ इस तरीके से, है ना, अनइवन टाइप की, तो उस कंडीशन जितनी ज्यादा अनइवन रहेगी उतना ज्यादा हमको क्या लगेगा, एरिया बढ़ जाएगा, उतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो उतनी ज्यादा हमारी क्या हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना, या एरिया बढ़ जाने से क्या हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसके कारण मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मिलेगा हमको, है ना। तो इसके कारण हमारी इंक्रीमेंट कितना हो गया, 20% हो गया, जिसके कारण 20% एक्स्ट्रा मतलब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 1.2। इस टेबल से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट यदि हम कॉर्यूगेशन की बात करते हैं आयरन सीट की, तो आयरन सीट में कॉर्यूगेशन इसकी तुलना में एस्बेस्टस सीट की तुलना में थोड़ी सा कम होता है, जिसके कारण इसका जो इंक्रीमेंट है वो कितना हो जाएगा, 14% का हो जाएगा और इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हो जाएगा 1.14। सेमी कॉर्यूगेटेड बोल रहे हैं आप, सेमी कॉर्यूगेटेड सीमेंट सीट, है ना, सीमेंट की सीट है और सेमी कॉर्यूगेटेड है, और यदि बात कर दो कि यदि सीमेंट की जगह हमारी स्टील आ जाए, है ना, अब सीमेंट हो जाएगा तो सीमेंट ज्यादा अनइवन होगा स्टील की तुलना में, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि सीमेंट जो है वो सेमी कॉर्यूगेटेड है, जबकि स्टील कैसा है, कॉर्यूगेटेड है, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। सेमी कॉर्यूगेटेड सीमेंट सीट की और कॉर्यूगेटेड स्टील सीट की कितना इंक्रीज हो जाता है, 10% और वैल्यू कितना, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना जाएगा, 1.1। नेक्स्ट हमारे सीट रोलिंग शटर, है ना, सीट रोलिंग शटर। अब सीट रोलिंग शटर जो हमारी रोलिंग शटर होती है सबने देखी है, तो रोलिंग शटर के लिए जो हमारा इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट कितना हो जाता है हमारा 25% और मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1.25। फ्लश डोर, अब फ्लश डोर बिल्कुल सिंपल सा होता है तो उसमें किसी प्रकार का एक्स्ट्रा कोई इंक्रीमेंट होने नहीं वाला, ना तो एरिया में या किसी प्रकार के यदि हम उसके ऊपर पेंट या वार्निश कर रहे हैं, जिसके कारण उसकी सरफेस में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं लगने वाला, जब एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं लगने वाला तो बोल सकते कि मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब फुली ग्लेज्ड, अब ये ग्लेज्ड है, है ना, अब ये जब पूरी तरीके से ग्लेज्ड है तो इसमें इंक्रीमेंट तो कुछ होगा ही नहीं और नहीं होगा, कुछ भी चीज लगा लो इस पे तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर रहेगा वो क्या हो जाएगा, 0.5। फॉर प्लेन रोलिंग शटर,
प्लेन रोलिंग शटर की बात करें या स्टील रोलिंग शटर की बात करें, तो भाई अभी इसको पहले ही लिख चुके हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा 10% इंक्रीमेंट और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना जाएगा 1.1। अब आपने डोर के टाइप देखे होंगे, लेज्ड बैटन एंड ब्रेज्ड डोर, है ना। अब लेज्ड और बैटन और ब्रेज डोर है, यदि मैं लेज की बात करूं तो लेज हमारा किस तरीके से, यदि मैं बात करता हूं कि लेज क्या होता है, इसको हालांकि अपन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर, तो मैं सिंपल से बता देता हूं। यदि मैं इस पार्ट की बात करता हूं, जो हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लेज होता है ना। और यदि मैं बैटन की बात करूं तो बैटन कुछ इस तरीके से लगे होते हैं, बैटन के ऊपर लगे होते हैं हमारे लेज कुछ इस तरीके से, इसको मिटा देता हूं, ये हमारे यहां बैटन कुछ इस तरीके से, ये हमारे पैटर्न, और इसी के ऊपर कष्ट लगे होते हैं हमारे क्या लेज, और जो लेज को कनेक्ट कर रहे होते हैं वो हमारे क्या होती है, ब्रेसिंग होती है ना। तो इसके ऊपर जो इंक्रीमेंट होगा, इनके ऊपर कितना हो जाएगा, अब ये अलग अलग है, ज्यादा अनइवन है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, इसका इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 30% का हो रहा है, और मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या जाएगा 1.3 आ जाएगा। लोअर डोर की यदि हम बात करें तो लोअर डोर मतलब जाली जाली तरीके से कुछ इस तरीके से होता है हमारा लोअर डोर, तो लोअर डोर के कारण इसमें ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80% और मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हो जाएगा हमारा 1.8। ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हमारा जो है बचा हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, मतलब अलग अलग वर्क के लिए क्या क्या यूनिट लेनी है, तो हम एक एक करके सबको देखते जाएंगे। जैसे सबसे पहला हमारा वुड वर्क है ना, तो इससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, तो इनको अच्छे से देखना पड़ेगा, हर एक आइटम को देख लेंगे एक बार, हमको सिर्फ पढ़ के निकल जाना है, याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ के निकल जाना है हमको, है ना। जैसे यदि हम बात करते हैं वुड वर्क इन बीम रूफ ट्रस एंड कॉलम, यदि हमारा कोई भी वुड वर्क हो रहा है बीम में, रूफ में, ट्रस में या कॉलम पे, तो उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, हमारी मीटर क्यूब में। यदि हम बात करते हैं वुड वर्क डोर एंड विंडो के लिए, अब डोर या विंडो, बहुत सारे टाइप के डोर होते हैं और बहुत सारे टाइप की विंडो होती है, तो एग्जाम पे डोर के नाम दे सकता है और उसकी यूनिट पूछ सकता है, तो हमको उस पर कंफ्यूज नहीं होना। जैसे हमारे एग्जाम पे कोलेप्सिबल गेट करके दे दिया कि उसको किसमें मेजर करेंगे, या बोल देगा हमको रोलिंग गेट को किसमें मेजर करते हैं, या बोल सकते हैं स्टील डोर को किसमें मेजर करते हैं, तो हमको इस पर कंफ्यूज नहीं होना। किसी प्रकार का डोर हो या विंडो हो, उसकी यूनिट को हम किसमें मेजर करेंगे, मीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट है हमारा वुड वर्क इन पार्टीशन प्लाईवुड। अब प्लाईवुड से यदि हम पार्टीशन कर रहे हैं, यदि हम पार्टीशन कर रहे हैं दो दीवार के बीच में, या एक रूम में पार्टीशन करने की कोशिश कर रहे हैं प्लाईवुड की सहायता से, तो उस कंडीशन में इसकी जो यूनिट होगी वो किस पर होगी, मीटर स्क्वायर पर। और जो बल्लीज होती है हमारी बल्लीज, उसको किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। और सिल ऑफ विंडो, जो हमारी विंडो होती है उस पर जो सिल हाइट होती है, जनरली सुना होगा आपने सिल हाइट, तो जो सिल्स होती है सिल्स ऑफ विंडो, इसको कितने किस में मेजर करते हैं, हम नंबर्स में मेजर करते हैं। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। अब हम आगे देखेंगे व्हाइट वॉशिंग पेंटिंग एंड डिस्टेम्परिंग के लिए, है ना, इसकी क्या यूनिट होती है। यदि हम फर्नीचर वगैरह को पेंटिंग कर रहे हैं, जैसे चेयर हो गई, टेबल हो गई, तो इनकी जो यूनिट होती है वो किस में होती है, नंबर्स में होती है ना। पेंटिंग ऑफ डोर एंड विंडो, यदि डोर और पेंटिंग में हम डोर एंड विंडो में यदि हम पेंटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए जो इसकी यूनिट होगी वो किस क्या होगी, हमारी मीटर स्क्वायर। अब यदि हम स्टील वर्क की बात करते हैं, थर्ड है हमारा स्टील वर्क, तो स्टील वर्क के लिए भी देख लेते हैं। स्टील वर्क के लिए बेसिकली जो हमारी यूनिट होती है वो क्विंटल में होती है ना, लेकिन फिर भी अलग अलग एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे थ्रेडिंग इन आयरन, जैसे हमारे जो जैसे हमारे नट बोल्ट होते हैं, तो बोल्ट में कुछ इस तरीके से थ्रेडिंग होती है, तो जो थ्रेडिंग होती है, जैसे यदि बात करूं कुछ इस तरीके से हमारा बोल्ट का, मैं सर इसका हेड बना रहा हूं, तो कुछ इस तरीके से इस वाले पोर्शन में थ्रेडिंग होती है, तो ये जो थ्रेडिंग है वो किस पे होती है, हमारी सेंटीमीटर में होती है ना। नेक्स्ट कास्ट आयरन स्पाइक्स, जनरली आपने रेलवे में पढ़ा होगा थोड़ी बहुत, उसके जो स्लीपर्स होते हैं, स्लीपर्स में स्पाइक्स लगे होते हैं जो कास्ट आयरन के बने होते हैं, इनका डाया स्पेसिफाइड होता है, इसकी जो यूनिट होती है किस पे होती है, मीटर में होती है। नेक्स्ट बियरिंग होल्स इन आयरन, आयरन में यदि किसी प्रकार का बियरिंग होल है, तो उसकी भी काउंटिंग किस में होगी, हमारी नंबर्स में होगी। वायर फेंसिंग का यदि कोई वर्क है, तो उसकी यूनिट हमारी क्या होगी, मीटर में। आयरन रोलिंग यदि वर्क हो रहा है, तो उस पर क्या होगी, हमारी यूनिट मीटर में। आयरन ग्रिल्स हो गई, हमारी कोलेप्सिबल गेट हो गया, तो कोलेप्सिबल गेट जो हो गया हमारा किसमें जाएगा, मीटर स्क्वायर में या क्विंटल में। मीटर स्क्वायर पे भी इसकी यूनिट ले सकते हैं और क्विंटल में भी इसकी यूनिट ले सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं रोल्ड स्टील जॉइस्ट, चैनल, एंगल, टी सेक्शन, फ्लैट्स, ये सारी चीजें हम स्टील पे पढ़ते हैं, तो इन सबको हम किस पे काउंट करते हैं, क्विंटल पे, है ना। रिवेट हो गया,
वोल्ट हो गया, नट हो गया, एटीसी जो भी है हमारा, ये सब किस में आएगा, क्विंटल पे। यदि हमको ऐसी कोई यूनिट जाती है जो स्टील वर्क से रिलेटेड है और हमें पता नहीं है, तो उसको हमको क्विंटल पे ही लगा कर रहना है। कुछ स्पेशल है जो हमको याद रखना है, जैसे ट्रेडिंग इन आयरन हो गया है ना, ये सेंटीमीटर में हमारा, स्पाइक्स हो गया हमारे, ये मीटर में हमारा, बियरिंग होल्स हो गए हमारे नंबर्स में है, वायर फेंसिंग हमारी मीटर में है, तो ये सारी चीजें हमको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा सप्लाई ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल की सप्लाई करते हो तो उसकी यूनिट क्या लेते हैं। जैसे हम यदि हम बात करते हैं ब्रिक की, यदि सप्लाई करते हैं तो ब्रिक जो हमारे किस यूनिट में आते हैं, नंबर्स में काउंट होकर आते हैं हमारे ब्रिक्स, है ना। जैसे ये आईएमपी एग्जाम पे आता भी है, सप्लाई ऑफ लाइम, इसको हम क्विंटल पे लेते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा सप्लाई ऑफ सैंड एंड एग्रीगेट, तो इसकी यूनिट हमारी क्या होगी, मीटर क्यूब में जानते ही है ना। सप्लाई ऑफ सीमेंट, सीमेंट की जो सप्लाई होती है वो किस पे होती है, 50 केजी बैग में, है ना। जो हमारा सीमेंट आता है वो किस पे आता है, एक बैग होता है, कितने केजी का होता है हमारा, 50 केजी का होता है। कई बार एग्जाम पे ये पूछ लेता है सीमेंट का बैग जो है वो कितने केजी का होता है, 50 केजी का। सप्लाई ऑफ स्टील, स्टील की सप्लाई किसमें होती है, क्विंटल पे, बिटुमेन हो, टार हो या कोल हो, है ना, इनकी जो सप्लाई होगी वो किसमें होती है, टन में, है ना। सप्लाई ऑफ एसी एंड जीआई सीट, अब यदि सीट की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये रूफिंग मटेरियल है ना, और रूफ की जो यूनिट होती है किसमें होती है, मीटर स्क्वायर में। सप्लाई ऑफ पेंट और वार्निश, पेंट और वार्निश की यदि बात करेंगे तो किसमें आ जाएगा, वो लीटर में। एक्सप्लोजिव फॉर ब्लास्टिंग, एक्सप्लोजिंग एक्सप्लोजर क्या होते हैं हमारे, है ना, ये हमने स्टोन पे पढ़ा है, तो वहां पर आप कौन कौन से टाइप के एक्सप्लोजर्स यूज करते हैं वो आप स्टोन वाला जो वीडियो बिल्डिंग मटेरियल में वहां पर जाके देख सकते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो किस पर लेते हैं, हम इसको केजी में लेते हैं। और कटिंग ट्री, यदि हम ट्री कट कर रहे हैं तो उसकी जो यूनिट आई, कितने ट्री कट हुए हैं, उस हिसाब से ये नंबर्स में इसकी यूनिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं फॉर्म वर्क, तो फॉर्म वर्क आईएमपी है, एग्जांपल पूछा जाता है सटरिंग की यूनिट क्या होती है या फॉर्म वर्क की यूनिट क्या होती है, तो क्या होती है हमारी, मीटर स्क्वायर में। सीमेंट कॉन्क्रीट या आरसीसी छज्जा, है ना, याद रखना यदि छज्जा और सनसेट की जो यूनिट है ना, एग्जाम पे आती रहती है, आईएमपी है। यदि यहाँ पर सीमेंट कॉन्क्रीट या आरसीसी है और हमसे पूछा छज्जा या सनसेट की यूनिट, तो ये होगी मीटर क्यूब में। और यदि सीमेंट कॉन्क्रीट या आरसीसी की जगह स्टोन हो जाए, है ना, तो स्टोन का छज्जा या सनसेट वो बनेगा किसमें, मीटर स्क्वायर में। स्टोन स्लैब हो गया, स्टोन सनसेट हो गया, स्टोन छज्जा हो गया, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट हमारा फ्लोरिंग वर्क, सारे के सारे जो फ्लोरिंग वर्क है वो किसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर में। रूफिंग वर्क जो होगा वो भी हमारा किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में। जैसे कॉर्यूगेटेड आयरन सीट हो गई, कॉर्यूगेटेड एसी या सीमेंट सीट हो गई, तो इन सब की यूनिट हम सीधे सीधे याद रख सकते हैं, रूफिंग और फ्लोरिंग की जो यूनिट है क्या होगी, हमारी मीटर स्क्वायर होगी। यदि स्टोन वर्क की बात हो रही है तो स्टोन वर्क के लिए जो हमारा हो जाएगा वो किस पे आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में। और यदि सीमेंट कॉन्क्रीट या आरसीसी की बात करेंगे तो उसके लिए छज्जा और सनसेट की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब में। फॉर्म वर्क हमारा मीटर स्क्वायर में। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हमारा मिसलेनियस वर्क, मिसलेनियस वर्क में क्या क्या जाता है, जैसे हम यदि देखते सरफेस ड्रेनेज, सरफेस ड्रेनेज जो हम यूनिट लेते हैं सरफेस ड्रेनेज की, वो लेते हैं हम मीटर में। ऑर्नामेंटल कॉर्निस, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ था कॉर्निस, ऑर्नामेंटल कॉर्निस, है ना, तो कॉर्निस खुद ऑर्नामेंटल वर्क होता है, और इसको हम जो लेते हैं वो किसमें लेते हैं, मीटर में लेते हैं। कॉर्निस क्या होता है, कोपिंग क्या होता है, ये मैंने ब्रिक में पढ़ाया हुआ बिल्डिंग मटेरियल है ना। फिक्सिंग डोर एंड विंडो, अब डोर और विंडो की यूनिट पूछ रहा है, डोर और विंडो, फिक्सिंग डोर एंड विंडो, डोर और विंडो का फिक्स कर रहे हैं तो किसमें यूनिट लेंगे इसकी, नंबर्स में। ग्लेजिंग ग्लास पेंस, तो इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर में। अब फिक्सिंग एंड क्लीनिंग ऑफ ग्लास पेंस, तो किस किस में जाएगा हमारा, नंबर्स में। वेल सिंकिंग, ये एग्जाम्पल लास्ट ईयर पूछा हुआ था, वेल सिंकिंग की यूनिट क्या होती है हमारी, मीटर में। उसके बाद पाइल रिमिंग एंड सिंकिंग हमारा किसमें जाएगा, मीटर में। बिटुमेन रोड सरफेस हमारी किसमें आएगी, मीटर स्क्वायर में। रोड सरफेस की बात हो रही है तो किसमें आएगी हमारी यूनिट इसकी, मीटर स्क्वायर में। कटिंग सॉरी ग्राउटिंग ऑफ बिटुमेन रोड, है ना, ये किसमें जाएगा हमारा, मीटर में। ग्राउटिंग क्या होता है, मैंने पढ़ाया हुआ बिल्डिंग मटेरियल में। वाटर क्लोजेट, वॉश बेसिन, मैन होल्स, ये किसमें आएंगे हमारे, नंबर्स में। इलेक्ट्रिक वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में, तो इसकी यूनिट क्या होती है, पर पॉइंट के हिसाब से इसका मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा ड्रिप कोर्स, ड्रिप कोर्स भी हमारा आईएमपी है, किसमें मेजर किया जाता है, मीटर में। टर्फिंग ऑफ बंड्स, बंड्स ऑफ कैनाल, इसको हम किसमें पढ़ते हैं, बंड्स ऑफ कैनाल को, टर्फिंग को किसमें पढ़ते हैं, हम इरिगेशन में पढ़ेंगे वहां पर कि इरिगेशन क्या होता है, टर्फिंग क्या होती है, बंड्स क्या होते हैं, कैनाल के बाजू पे लगाते हैं ना, तो इसका जो मेजरमेंट होता है किस पे होता है, मीटर स्क्वायर में। अब इतनी सारी हमने यूनिट पढ़ ली है, जनरली एग्जाम पे आती भी है सारी की सारी, है ना, इनमें से कोई भी
दो तो हमारे एग्जाम पे आनी ही आनी है ना। अब इसको और सिंपलीफाई कर देते हैं, है ना। जैसे यदि हम बात करते हैं इनको आसानी से याद करने के लिए, कुछ हम ले लेते हैं जैसे अर्थवर्क हो गया हमारा, स्टोन वर्क हो गया, या ब्रिक मशीनरी या ब्रिक वर्क हो गया, तो जनरली हम इसको किसमें लेते हैं, मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। शटरिंग हो गई हमारी, सोलिंग हो गई, डीपीसी हो गया, डोर विंडो हो गया हमारा, सरफेस एक्सकेवेशन हो गया, प्लास्टरिंग हो गई, पॉइंटिंग हो गई, जाली वर्क या जाफरीज वर्क हो गया, फोल्ड ब्रिक वॉल या हनीकॉम्ब वॉल जो है हमारी, वो किसमें मेजर की जाती है, मीटर स्क्वायर में। स्टील वर्क या आयरन वर्क को हम किसमें मेजर करते हैं, जनरली क्विंटल में मेजर करते हैं। अब यहां तक का जो है पूरी की पूरी थ्योरी जो है हमारी इस यूनिट की कवर हो चुकी है। अब हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा प्लीज जाके वो वीडियो देख लो, तभी ये क्वेश्चंस कर पाया। हालांकि क्वेश्चन बन जाएंगे आसान है, लेकिन फिर भी आप लास्ट वाला वीडियो देख लो तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, है ना। ओके, हम क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एस्टिमेट फॉर अ बिल्डिंग विद अ प्लिंथ एरिया ऑफ 2000 मीटर स्क्वायर विथ रेट, रेट कितना दिया हुआ हमको एक मीटर स्क्वायर का 3800, है ना, ये रेट दिया हुआ। तो हमको एस्टिमेट करना है बिल्डिंग के लिए। कंसीडर द एट 15% ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमको 15% एक्स्ट्रा अपनी कॉस्ट का लेना है, और 7% हमारा किसका मिसलेनियस के लिए हो सकता है, मिसलेनियस में कुछ भी हो सकता है। मैंने बहुत सारी कंटिजेंसीज बताई थी, तो बहुत सारे एडिशनल चार्जेस बताए थे, तो वही फिर से ऐड करके देने लगा। कल हमने जो क्वेश्चन किया था प्लिंथ एरिया का, जो हमने कॉस्ट निकाल ली थी कि रेट किस तरीके से एस्टिमेट करेंगे, अब उसी पे हमको क्या करना है, जो एडिशनल चार्जेस है उनको और ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे। कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, प्लिंथ एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट, उससे हमारी क्या निकल के आ जाएगी, कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो कॉस्ट निकल के आ गई, प्लिंथ एरिया हमारा 2000 है, रेट हमारा कितना है, हमारा 3800, उससे हमारी कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। उसके बाद हम क्या कर देंगे, जो टोटल कॉस्ट आई है उसका 15% निकाल लेंगे, वो किस पे लगा हमारा, इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन के लिए, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन के लिए। तो 15% हमने इसका निकाल लिया टोटल कॉस्ट का, तो हमारा ये वैल्यू आ गई, है ना, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ मिसलेनियस की, तो कॉस्ट ऑफ मिसलेनियस हमको कितना दिया हुआ, 7% दिया हुआ। तो हम टोटल कॉस्ट में, इस पे नहीं, टोटल कॉस्ट जो हमारी निकल कर आई थी ये, इसका हम 7% निकाल लेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी, है ना। उसके बाद हम क्या कर देंगे, हमको टोटल कॉस्ट निकालने की, टोटल कॉस्ट हमारी कितनी लगी, तो टोटल कॉस्ट हमारी क्या जाएगी, हम इसको 1 को 2 को और 3 को प्लस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट एन एप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ द बिल्डिंग विद टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग इज, टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग इज 500 मीटर स्क्वायर, द रेट ऑफ द प्लिंथ एरिया इज 3000 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्लिंथ एरिया दे दिया हमको, उसका रेट दे दिया हमको पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। द कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई एंड कंटिजेंसी आर 7%, वाटर सप्लाई और कंटिजेंसी इसी पे शामिल है, 7% है, सॉरी वाटर सप्लाई 7% है और कंटिजेंसी हमारी कितनी है, 5% है, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमको क्या करनी है, इसी के साथ ये दिया हुआ हमको। ठीक है, कंटिजेंसी आर 7% एंड 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रिस्पेक्टिवली। मतलब हमको क्वेश्चन पे प्लिंथ एरिया दिया हुआ है, हमको प्लिंथ एरिया रेट दिया हुआ है, वाटर सप्लाई एंड कंटिजेंसी 7% दिया, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमको दिया 5%। ठीक है, अब हमको भाई जो अभी तक हमने किया, इससे पहले सबसे पहले हम कॉस्ट निकाल लेंगे। कॉस्ट निकालने के लिए हमने क्या किया, हमारे पास जो प्लिंथ एरिया है उसको हमने रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको मिल गया ये कॉस्ट टोटल। अब उस पर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जोड़ देंगे, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना हमारे पास 5% का, तो टोटल कॉस्ट का 5% निकाल लेंगे हमको, तो हमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, और टोटल कॉस्ट का जब हम 7% निकाल लेंगे तो हमको मिल जाएगा वाटर सप्लाई एंड कंटिजेंसी, है ना। तो 7% हमने टोटल कॉस्ट का निकाल दिया, और हमने तीनों को क्या कर दिया, जोड़ सम कर दिया, तो हमारा क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। ये क्वेश्चन क्लियर है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड नंबर का, द प्लिंथ एरिया रेट एंड प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग। हमको प्लिंथ एरिया रेट दे दिया, प्लिंथ एरिया रेट कितना दे दिया हमको 5500 मीटर पर मीटर स्क्वायर, एंड हमको प्लिंथ एरिया दे दिया 150 मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, हमको टोटल कॉस्ट निकालने, कंसीडर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन की हमको बता दिया कितना 7%, कॉस्ट ऑफ सैनिटरी फिटिंग 16%, कॉस्ट ऑफ रोड एंड लॉन 6.5%, एंड कॉस्ट ऑफ कंटिजेंसी हमको बता दिया 4.5%। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हमको, हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी का 7% निकाल लेंगे टोटल कॉस्ट का, सैनिटरी फिटिंग का निकाल लेंगे 16% टोटल कॉस्ट का, और
कॉस्ट ऑफ रोड एंड लॉन के लिए निकाल लेंगे 6.5% टोटल कॉस्ट का, और कॉस्ट ऑफ कंटिजेंसी निकाल लेंगे 4.5% टोटल कॉस्ट, और सबको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ डी बी द डाया ऑफ माइल्ड स्टील ऑफ टॉर स्टील बार इज mm, ठीक है, द स्टैंडर्ड वेट पर मीटर ऑफ द बार इज, ये क्वेश्चन मैंने अभी स्टार्टिंग में जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी, वीडियो स्टार्ट किया था, तभी मैंने बताया था कि पर मीटर पे हमारा जो बार है, यदि उसका डाया डी है हमारा, तो उसके लिए जो पर मीटर वेट आएगा वो कितना आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही बता सकते हैं कि हमने अभी इसको निकाला हुआ था एम अपॉन एल इज इक्वल टू 5² / 162, है ना, केजी पर मीटर। तो पर मीटर के हिसाब से मिल जाएगा, या तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.00617 केजी पर मीटर, है ना। तो हमारा यदि इसकी बात करते हैं, हमारा डाया का स्क्वायर भी होगा, डाया का स्क्वायर केजी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द वेट ऑफ 10 mm डायामीटर माइंड स्टील रॉड पर मीटर लेंथ। अभी मैंने इस क्वेश्चन को भी कराया हुआ था कि यदि 10 mm का डायामीटर होगा तो उसके लिए हमारा जो वेट होगा, देखो इसको कैलकुलेट करने से आपको डायरेक्ट याद होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 पुट कर देना हमको, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, है ना। तो इससे हमारा इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 0.617 kg, ठीक है। तो पर मीटर लेंथ के लिए हमको पता चल गया कितनी आ जाएगी वैल्यू, 0.617 kg, या हमको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है 0.62 kg, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये सारी चीजें हमने की हुई है तो बड़ी आसानी से हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द वेट पर मीटर लेंथ ऑफ 25 mm डायामीटर स्टील बार प्लेस एट अ स्पेसिंग ऑफ 250 mm सेंटर बाय सेंटर फॉर 1 मीटर। अब ये क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, हमको क्या बोल रहा है ये कि हमारे पास सेंटर टू सेंटर हमको प्लेस, चलो ठीक है, हमको स्टील दी हुई है जिसका स्टील रॉड दी हुई है जिसकी लेंथ पर मीटर में है, मतलब हमको बता दिया ये कितना है हमारा 1 मीटर का, ये हमारा कितना है 1 मीटर का, जिसको बोल सकता हूं 1000 mm, ठीक है। इसके बीच में ये बोल रहा है हमको कि स्टील बार रखे हुए हैं जिसकी स्पेसिंग कितनी देके रखी है सेंटर टू सेंटर, कितनी देके रखी है 250 mm दी हुई है। तो हमको निकालना पड़ेगा कि सबसे पहले तो इसमें नंबर ऑफ बार कितने लगेंगे वो निकालना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ बार निकाल लेते हैं सबसे पहले, नंबर ऑफ बार इसको टू क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल लेंथ हमको कितनी दी हुई है 1000 mm, और स्पेसिंग कितनी है हमारी 250 mm, तो नंबर ऑफ बार कितने आ जाएंगे हमारे 4, है ना। उसके बाद हमको वेट निकालना है इसका, है ना, पर मीटर पे। तो वेट निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट हम उसी फॉर्मूले को निकाल रख देंगे, मास पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या था, हमारा इसका फॉर्मूला हमारा था 0.00617 5². अब नंबर ऑफ बार हमारे कितने आए, अभी तो एक बार था तो हम सीधे सीधे से फॉर्मूला लगा देते थे, अब हमारे ये बता दिया किस पर कितने बार है हमारे 4 बार है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हमको क्या करना, सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको हम लिख सकते हैं हम 617 / ये लिख सकते हैं, हमने यहां से 1 ले लिया और जितने ये पॉइंट है उसको हमने 0 लगा दिया। उसके बाद यदि हम 5 की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 का स्क्वायर इंटू 4, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 100 × 25 × 25 × 4, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया हमारा 100, इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया और इससे भी हमने इसको काट दिया तो आ जाएगा 40। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं 617 / 4 × 10। अब 617 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 1542, है ना, 1542 / 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 15.42 kg, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन है हमारा, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्ट्रिप फुटिंग इज सो बिलो, है ना, हमको ये जो है क्रॉस सेक्शन ये गिवन है क्वेश्चन में, है ना, और हमको निकालना है क्वांटिटी ऑफ
ब्रेक फ्लैट सोलिंग, सोलिंग के बारे में हमने पढ़ा था है ना, फ्लैट सोलिंग भी पढ़ा था, एज सोलिंग भी पढ़ा था है ना, और किससे की हुई है, ब्रिक से की हुई है। ब्रिक फ्लैट सोलिंग अंडर द फुटिंग पर मीटर लेंथ, लेंथ हमको बता दी कि लेंथ जो है हमारी क्या रहेगी, लेंथ हमारी रहेगी पर मीटर, मतलब एल में ले लेता हूँ एल 1 मीटर, ठीक है, ये हमको क्वेश्चन पे गिवन है। और हमको निकालना है क्वांटिटी ब्रिक फ्लैट सोलिंग की। अब इस पूरे डायग्राम पे हम ढूंढेंगे कि ब्रिक फ्लैट सोलिंग हमको कहाँ गिवन है, तो ये पूरा फाउंडेशन है ना, और फाउंडेशन पे हमको ये गिवन है, हमको ये वाला पार्ट हमको ये गिवन है 75 mm थिक ब्रिक फ्लैट सोलिंग हमको गिवन है ना, ये इसकी क्या दी हुई है हमको थिकनेस या बोल सकते हैं हाइट दी हुई है, जबकि ये हमको क्या दी गई है इसकी विड्थ दी हुई है, और जबकि लेंथ हमको बोल के रखा है 1 मीटर है। तो सबसे पहले जो हमको दिख रहा है हम उसका एरिया निकाल लें, फर्स्ट वाला पॉइंट यदि हम सॉल्व करें तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लें, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा 750 mm इंटू हाइट हमारी क्या हो जाएगी 75 mm है ना, इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर में, क्योंकि ये जो सारे डायमेंशन हमको गिवन है ये एमएम में गिवन है, तो इसको यदि मैं मीटर में चेंज कर लूं तो मीटर में चेंज करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो 0.75 मीटर, और इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.075 मीटर है ना। ये तो हो गया हमारा एरिया, और पर मीटर में है, मतलब मैं इसका वॉल्यूम यदि क्वांटिटी पूरी निकालना चाहूँ तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारी 75, इसको मैं लिख सकता हूँ 75/100 इंटू 75 डिवाइड बाय 1000, या इसी को हम सीधे सीधे से लिख सकते थे है ना, और इंटू 1 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। अब 75 का स्क्वायर क्या होता है, 75 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, तो 75 का स्क्वायर आप जानते हैं, निकाल सकते हैं 75 का स्क्वायर 5625 डिवाइड बाय 2345 है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, क्वांटिटी मिल जाएगी, हमको क्या करना है 50, तो हम क्या कर देंगे 0.05625 मीटर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर है, ये हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारा, द क्वांटिटी, इस पे भी हमको क्या निकालना है, क्वांटिटी निकालनी है ऑफ 150 mm थिक पीसीसी। अब हम पूरे क्वेश्चन पे पीसीसी ढूंढेंगे, हमारा प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट कहां पर है, तो इस पर यदि हम देखें कि ये हमको गिवन है 100 mm की, 100 mm थिक पीसीसी 1:3:6 के लिए। अब यदि हम इस पर देखें तो हमको 150 में कहीं पीसीसी नहीं दी हुई है, मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्शन है हमारा यहाँ पर, ये हमारा 100 mm थिक पीसीसी 1:3:6 के लिए, ठीक है, क्योंकि हमको हाइट डायग्राम में 100 mm दिया हुआ है, तो 100 mm के लिए यदि हम इसको करना चाहें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, बुक में ये 150 दिया है, ये यहाँ पर गलत है, ये 100 mm होगा है ना। अब इसको सॉल्व करना चाहें हमारा तो क्या हो जाएगा, हमारा सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ये 100 mm का ये है, उसके बाद यदि हम बात करें इसकी विड्थ की, तो विड्थ कितनी हो जाएगी हमारी 750 mm की है ना, तो इसको हम चेंज कर लेंगे तो 100 डिवाइड बाय 1000 इंटू 750 डिवाइड बाय 1000, तो ये किस पे चेंज हो गया हमारा, मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया। अब इस पे से जो काट रहा है तो काटना चाहो तो काट सकते हो कुछ इस तरीके से है ना, और यदि हम इसका वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये बचा कितना 75 डिवाइड बाय 1000, ठीक है, इतना बचा। अब हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा 0.075 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेट द एप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ 4-story बिल्डिंग, इतनी बिल्डिंग दी है आपको 4-story बिल्डिंग, इफ द टोटल लेंथ एरिया इज 300 meter square पर फ्लोर के हिसाब से, मतलब एक फ्लोर का हमको दिया हुआ है प्लिंथ एरिया 300 meter square का, और कितनी स्टोरी है हमारी 4 story है, तो यदि मैं टोटल इसकी निकालना चाहूं इसका एरिया तो 4 × 300 कर देंगे तो हमको टोटल चारों फ्लोर का हमको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। देन हमको बोला एंड हाइट ऑफ फ्लोर इज 3 meter है ना, 3 meter हमको इसकी हाइट बता दी और क्यूबिक कंटेंट रेट देके रखा, क्यूबिक कंटेंट रेट देके रखा, तो हमको क्या करना पड़ेगा 4 × 300 × 3 मतलब हाइट से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, तो सीधे सीधे से हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले तो क्यूबिक कंटेंट निकाल लेते हैं इसका, यदि हम इसका क्यूबिक कंटेंट निकालें, क्यूबिक कंटेंट, तो क्यूबिक कंटेंट कितना हो जाएगा 4, इसके फ्लोर है 300, एक फ्लोर का एरिया है
और उसके बाद यदि इसकी हाइट की बात करें तो हाइट कितनी है इसकी, 3 मीटर है। तो एक टोटल क्यूबिक कंटेंट कितना आ जाएगा, वॉल्यूम कितना निकल के आ जाएगा इसका, 3600 मीटर क्यूब, है ना, ये निकल के आ जाएगा। अब हमको इसका रेट देख के रखा है कि 1 मीटर क्यूब का रेट कितना है, 2000, तो हम इसका टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। कॉस्ट कितनी आ जाएगी इसकी हमारी, 3600 × 2000, ठीक है। तो यहां से हमको ये मिल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 72 ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट। अब आगे क्या बोल के रखा है, एंड प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज 10%, तो प्रॉफिट इसका कॉन्ट्रैक्टर का कितना है, 10%, तो हम 72 लाख का 10% निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10% आसानी से निकाल सकते हैं हम, है ना। तो और टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 792100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 79,20,000, ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द प्राइमरी एस्टिमेट इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इज रुपीज में फॉर द बिल्डिंग हैविंग अ प्लिंथ एरिया ऑफ 1500 मीटर स्क्वायर एंड अ रेट ऑफ 2000 रुपीज पर मीटर। इसको सॉल्व करना हमको, तो हमको सबसे पहली चीज तो कैलकुलेट द प्राइमरी एस्टिमेट, हमको प्राइमरी एस्टिमेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इस पे हमारा कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी है, फॉर अ बिल्डिंग हैविंग अ प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया हमको देके रखा है इतना, और उसके बाद इसका रेट देके रखा है। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कॉस्ट इसकी, तो यदि हम इसकी कॉस्ट निकालें तो क्या हो जाएगा, 1500 × 2000, तो इसकी जो कॉस्ट निकल के आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 30,000, ठीक है। उसके बाद जो 10% हमारा किसका है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, जनरली हमको नहीं पता होता लेकिन यदि हम जनरली हमने लिखवाया था कि कितना होता है 10%, तो 10% यदि इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हमारा कितना होता है, 10% का होता, तो मैं इसका 10% निकालूं, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लिखा नहीं होगा क्वेश्चन पे, तो हमने इसलिए पढ़ा हुआ था कि यदि लिखा नहीं है तो हम डायरेक्ट लगा सके। तो यदि मैं इसकी बात करूं, इस तरीके से हो जाएगा हमारा, और 10% इसका यदि मैं निकाल लूं, इसका 10%, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, तो टोटल कॉस्ट कितनी निकल के आ जाएगी हमारी, टोटल कॉस्ट हमारी निकल के आ जाएगी 330000, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सीमेंट कॉन्क्रीट रोड इज 100 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड एंड 15 सेंटीमीटर थिक ओवर द सब बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर थिक ग्रेवल द क्यूबिक कंटेंट ऑफ कॉन्क्रीट। हमको निकालना है क्यूबिक कंटेंट, है ना, तो क्यूबिक कंटेंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमको ये सीमेंट कॉन्क्रीट रोड बता के रखा है ना, जिसके लिए यदि इसकी बात करें तो हमारा लेंथ दी हुई है कितनी, 100 मीटर की, वाइड दिया हुआ है 8 मीटर का, और थिक दिया हुआ आपको 15 सेंटीमीटर का, और ये इसके ऊपर है हमारा सब बेस जो कि 10 सेंटीमीटर थिक है, ग्रेवल का बना हुआ है, तो हम इसको निकालिए। हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, हम सीधे सीधे से क्यूबिक कंटेंट निकाल सकते हैं, तो हमारा क्यूबिक कंटेंट क्या हो जाएगा, हमारा 100 मीटर का हमारा क्या है लेंथ है, 8 मीटर हमारी क्या है वाइड है, और हमारा 15 सेंटीमीटर क्या है थिक है, तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया हमने, डिवाइड 100 कर दिया, तो यूनिट आ जाएगी इनको इसकी वॉल्यूम की मीटर क्यूब में, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा हमारा, 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 120 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था 2018 पर। व्हाट विल बी द रफ कॉस्ट एस्टिमेट फॉर अ फर्स्ट क्लास बिल्डिंग, रफ कॉस्ट एस्टिमेट बोला है हमको फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए, हैविंग प्लिंथ एरिया हमको देख के रखा, प्लिंथ एरिया कितना देख के रखा है 100 मीटर स्क्वायर का, इफ द रेट मीटर क्यूब हमको देख के रखा है, रेट देख के रखा है 600, है ना, पर मीटर स्क्वायर पर, नेसेसरी एडिशन हमको 20% एक्स्ट्रा चार्ज जोड़कर चलना है इस पर, किसके लिए, पब्लिक हेल्थ वर्क के लिए, तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम कॉस्ट निकाल लेंगे, कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, सबसे पहले हमारा जो प्लिंथ एरिया उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 का ये है हमारा प्लिंथ एरिया,
और रेट हमारा है कितना पर मीटर स्क्वायर के लिए 100, तो हमारा कितना हो जाएगा 60,000 ये आ जाएगा। उसके बाद 10% हमको किसके लिए लेकर चलना है, 20% फॉर PHW है ना, इसके लिए लेकर चलेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको 20% निकाल लो, हमारा कितना हो जाएगा ये 12, 1, 2, 3 ये हो गया हमारा। अब हम क्या कर देंगे, टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, तो टोटल कॉस्ट क्या निकल कर आ जाएगी 60,000 और 12,000 हमारा क्या हो जाएगा 72,000 रुपीज, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो जितने ही मैंने कराए ये सब लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ना। तो आपको क्या करना है, यदि इसके नोट्स चाहिए हैं आपको तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप कि वीडियो के नीचे आपको क्या डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको ये सारी यूएससी की क्लास जो है पसंद आ रही है, तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों पे शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करने को कहो। ओके, थैंक यू।